रहेगी, चुनावी क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी, चुनावी राजनीति में वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, गठबंधन से उतरेंगे अकेले उतरेंगे, ये फैसला जब वो लेंगे उसके बाद ही आगे टिप्पणी की जाए। इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरे नेता कभी किसी गठबंधन के मोहताज नहीं थे, किसी भी गठबंधन में वो सिर्फ कुर्सी या सत्ता के लालच में नहीं थे, उन्हीं का खून हूँ मैं, हम लोगों ने भी कभी सत्ता का मोह नहीं रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दलित पिछड़ों को लेकर आवाज बुलंद की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दलितों और पिछड़ों के साथ अगर अन्याय हुआ तो वो वही कदम उठाएंगे जो पूर्व में उनके पिताजी ने कदम उठाए थे, क्योंकि दलित पिछड़ों के हक में उन्होंने हमेशा से लड़ाई लड़ी है और आज एक बार फिर से ये लड़ाई जो है वो जारी है। इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान, जरा वो सुने। रहेगी चुनावी क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी, चुनावी राजनीति में वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, गठबंधन से उतरेंगे अकेले उतरेंगे, ये फैसला जब वो लेंगे उसके बाद ही आगे टिप्पणी की जाएगी। मैंने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरे नेता कभी किसी गठबंधन के मोहताज नहीं थे, किसी भी गठबंधन में वो सिर्फ कुर्सी या सत्ता के लालच में नहीं थे, उन्हीं का खून हूँ मैं, हम लोगों ने भी कभी सत्ता का मोह नहीं रखा है। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चिंताओं को सम्मान देने का काम करते हैं, समाज के गरीब वर्ग की चिंताओं को सम्मान देने का काम करते हैं, ये मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री और मेरी मौजूदा गठबंधन NDA के प्रति बढ़ाता है। तो सुना आपने इस दौरान चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी की सराहना करते हुए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दलित पिछड़ों के हक में पीएम मोदी ने जिस तरह से LJP रामविलास कि पार्टी ने जिस तरह से हमेशा से दलित पिछड़ों के हक में काम किया है तो उन्होंने भी उनकी भावनाओं को समझा है और इनके संरक्षण में रहकर चिराग पासवान जो है वो इस काम को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी ने भी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की है और जिस तरह से कार्य हो रहा है आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। साथ ही चुनाव के मुद्दे पर भी उन्होंने बहुत कुछ कही। तो एक बार फिर से चिराग पासवान के इस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीज़ों के लिए, आप यूं ही बने रहें NBC 24।